टाइप नंबर तुमने चार कराया था, टाइप नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं भैया जी। ध्यान देना, टाइप नंबर जो पांच था, जो टाइप नंबर पांच था तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप करेगा टाइप नंबर पांच में, ठीक है। पहली बात तो ये भैया कि टाइप नंबर पांच में क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप करेगा, तो वहां क्या करेगा भैया आपको किसी का भी कार्य क्षमता, जब कार्य क्षमता दे देगा और दिन समय निकालने हैं, तो लिखो भैया टाइप नंबर पांच में क्वेश्चन लिखो, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू, एक कार्य को समाप्त करने के लिए टाइप नंबर पांच, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात पी, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात अनुपात तीन अनुपात चार ले, कार्य क्षमता का अनुपात तीन अनुपात चार ले, तो काम खत्म करने के लिए, तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का, दोनों के द्वारा लिए गए समय का, लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो पी तथा क्यू है, ये दोनों लोग जो कार्य क्षमता है वो तीन अनुपात चार के अनुपात में है, जो पी तथा क्यू की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है भैया, तीन अनुपात चार के अनुपात में है। अब ये कह रहा है तो काम खत्म करने के लिए, तो काम खत्म करने के लिए दोनों ने, दोनों का जो समय है उसका अनुपात क्या है, दोनों के समय का अनुपात क्या है भैया मेरे। एक बात याद रखना, हमने पहले ही कहा है कार्य तथा समय दोनों आपस में उल्टे होते हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा और जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा, एक बात याद रखना। तो अब देखो यहां पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात तीन अनुपात चार है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है तीन अनुपात चार, अगर कार्य क्षमता का अनुपात तीन अनुपात चार है, अगर दिन की बात करता है ठीक उल्टा करो, कुछ भी नहीं करना उल्टा करो, तीन चार लिखना कितना हो जाएगा चार तीन, यही मेरा आंसर है भैया मेरे। अगर ये कहते हैं कि पी तथा क्यू द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा तो क्या हो जाएगा भैया चार और तीन, ठीक उल्टा, क्योंकि क्षमता और समय दोनों आपस में कैसे होते हैं भैया उल्टे होते हैं, तो उल्टा कर दिया कोई दिक्कत भैया चार अनुपात तीन, यही मेरा आंसर है भैया जी। नेक्स्ट आगे देखो, पहले इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है। अब क्वेश्चन है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात पांच अनुपात छह है, तो कार्य खत्म करने के लिए, तो कार्य खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा,
अब ध्यान देना भैया जी, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो कितना है भैया जी, 5:6। पी तथा क्यू के द्वारा लिए गए कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 5:6। कार्य क्षमता और दिन आपस में कैसे होते हैं भैया, उल्टे होते हैं। 5:6 लिखा आंसर कितना हो जाएगा, 6:5, यही आंसर है मेरा। 5:6 लिख रहा है आंसर कितना हो जाएगा, 6:5 का पता है, कोई टेंशन है ही नहीं भैया जी। अब देखो भैया ध्यान देना, कभी भी ये मत सोचना बुराई भी होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है भैया, बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, सच्चाई है भैया। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसलिए बुराई भी होनी जरूरी है। अगर सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं भाई तुम्हारी मेहनत में कमी है, तो इस मेहनत को पूरा करने के लिए भाई बुराई तो सहनी पड़ेगी ही। कुछ लोग भाई ये भी कहेंगे तुम लोगों से कि भाई कहां जा रहे, कैसे जा रहे, मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा, मत बिल्कुल उनकी बातों बिल्कुल मत ध्यान देना, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है, यही कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो हो सकता है, जो हो सकता है उसे तो सब करते हैं, जो हो सकता है उसे तो सब करते हैं, पर जो नहीं हो सकता उसे ही तो करके दिखाना है, जो नहीं हो सकता उसे ही तो करके दिखाना है भैया मेरे। जब हमने ठान लिया है, माना था तो हार थी, अब ठाना है तो जीत है, इसे कोई रोक के दिखा दे भैया जी। माना था तो हार थी और ठाना है तो जीत है भैया, तो ठान लिया है भैया जीत के लिए। टाइप नंबर 5 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, टाइप नंबर 6 की तरफ, टाइप नंबर 6 की तरफ भैया जी। टाइप नंबर 6 की तरफ, टाइप नंबर 6 में है भैया, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ज्योति किसी काम का, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त कर सकती है भैया, 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। आगे ये कह रहा है भैया कि आगे ये कह रहा है कि माला की कार्य क्षमता, माला की जो कार्य क्षमता है वो ज्योति की दुगनी है। माला की कार्य क्षमता, माला की कार्य क्षमता, माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है, माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो माला, तो माला इस कार्य को समाप्त करने में, तो माला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगी, मेरी लड़ाई तो भाई तूफानों से है, लहरें तो बेवजह शोर मचा रही हैं, मचा रही मचाने दो, भूल जाओ सबको, भूल जाओ भाई, सिर्फ एक ही बात का ध्यान दो भाई, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। जिस दिन तुमने भाई ठान लिया उस दिन सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में होगा, कोई नहीं रोक सकता भैया जी। तो ध्यान देना भैया क्वेश्चन की तरफ, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है।
सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो माला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगी? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। जो ज्योति है, ज्योति वो 3/4 बार कितने दिन में करती है भैया जी? 12 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? 12 दिन में करती है 3/4 बार को। अब देखो पहले तो ये पूरे कार को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो 3 × 12 4 × 16 यानी अगर ज्योति अगर पूरे काम को करेगी तो वो कितने दिन में करेगी भैया? 16 दिन में। कैसे करना है कि 3/4 भाग को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। 3/4 भाग को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। तो बराबर में 12। और जब बराबर में कोई चीज हो गए तो आमने सामने तो भाई कटे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 × 12 और 4 × 16। तो ज्योति जो है वो उस काम को कितने दिनों में करेगी भैया? पूरे काम को 16 दिनों में करेगी। अब इसने ये कहा है भैया कि माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है। एक बात होता पहले, जब ज्योति से कार्य क्षमता से दुगनी है तो कार्य क्षमता और समय आपस में कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं भैया मेरे। तो क्लियर बात है कि कितना समय लेगी भैया? आधा समय लेगी माला। माला कितना समय लेगी भैया? आधा समय। क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता अगर दुगनी है तो माला को कितना समय लगेगा? मात्र आधा समय लगेगा भैया। तो 16/2 कितना हो गया? 2/8 16। तो माला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी भैया जी? मात्र 8 दिन में समाप्त कर देगी माला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें यह कहा है कि ज्योति जो है वो 16 दिन में करेगी पूरा काम, और ज्योति की कार्य क्षमता से जो माला की कार्य क्षमता है वो दुगनी है। जब दुगनी है तो भाई क्लियर बात, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग दे दिया तो 2/8 16 तो कितना आ गया भैया? 8 दिन। क्योंकि कार्य क्षमता और समय दोनों आपस में कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भैया, उल्टे होते हैं। अब सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से करना भैया। ज्योति किसी काम का 1/9 बार 2 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से तिगुनी है। कैसी है भैया? तिगुनी है। तो माला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगी? एक बात बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही होना है। तिगुनी है तो 3 से भाग दे दो लास्ट में, चौगुनी है तो 4 से भाग दे दो, 5 गुनी है तो 5 से भाग दे दो। अब देखो पहले ध्यान देना, तिगुनी क्या है, कितने से भाग देना है लास्ट में? 3 से। पहले तो देखा ज्योति जो है किसी काम का 1/9 भाग कितने दिन में करती है भैया? 1/9 भाग 2 दिन में करती है। तो बराबर में क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 × 2 = 18 दिन। जो ज्योति उस काम को करने में कितना समय लगा देगी भैया? 18 दिन लगा देगी। ज्योति उस काम को करने में कितने दिन लगा देगी? 18 दिन लगा देगी भैया जी। अब ये कह रहा है कि माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है। जो माला की कार्य क्षमता है वो ज्योति की कार्य क्षमता से कैसी है भैया? दुगनी। तो मात्र 3 से भाग देना है, कुछ भी नहीं करना भैया जी। मात्र कितने से भाग देना है? 3 से। तिगुनी है तो 3 से, चौगुनी है तो 4 से। तो यहाँ तिगुनी है तो 3 से, 18 का भाग 3 में दिया कितना हो गया? 18। तो माला इसका वो कितने दिन में कर देगी भैया जी? 6 दिन में कर देगी भैया। यही आंसर है। तो माला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगी भैया? मात्र 6 दिन लगेगी। आगे भैया आज की क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट कल आपको आगे के टाइम कराए जाएंगे।